मोदी सरकार के तानाशाही रवैये का आरोप लगा कांग्रेस आज हर जिले में कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी कड़ी में रायपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सत्यनारायण ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। अंग्रेजी राज में जैसा था वैसा ही आज दिख रहा है। मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। यह बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस लिए जाने के विरोध में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े दो बहनों पर चाकू से हुआ था हमला। जवारा विसर्जन के दौरान भीड़ में घुसकर नशेड़ी ने मारा चाकू, दूसरी ने तालाब में कूदकर बचाई थी अपनी जान। हमले में एक की हो गई थी मौत, मृतिका की छोटी बहन की बच गई जान। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। राहुल गांधी के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी कड़ी में कवर्धा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी भी आई नजर। मोहम्मद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कुर्सी के लिए पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल के बीच जम के हुई तूतू मैमै। महासमुंद जिले में पुलिस ने 700 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त किए गए गांजे की कीमत 1,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। सिघोड़ा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दोनों तस्कर गांजा लेकर ओडिशा से मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस दौरान सिघोड़ा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तस्करों ने ट्रक में गांजा को मुर्रा के नीचे छुपाकर रखा था। चेकिंग के दौरान दोनों तस्कर रंगे हाथ पकड़े गए। दोनों तस्कर सतना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और सगे भाई हैं। आरोपियों के पास से 700 किलो गांजा, एक ट्रक, एक नग मोबाइल और 800 रुपए नगद किया गया जब्त। प्रदेश में फिर डरा रहे हैं कोरोना के केस। गुरुवार को 15 नए मरीजों की हुई पहचान। रायपुर में 9, दुर्ग और राजनांदगांव में 2-2, धमतरी बिलासपुर में मिले 1-1 मरीज। प्रदेश में अब एक्टिव मरीज की संख्या हुई 64। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि हमारा हाथ युवाओं के साथ है। छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश किया गया है जारी। पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा अनुसार भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा। आशा है यह भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में होगा एक मील का पत्थर साबित। बेरोजगारी भत्ता ऊपर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि हिम्मत, नैतिकता और घोषणा पत्र ऊपर भरोसा है तो जो पंजीकृत है उन सब को देना चाहिए बेरोजगारी भत्ता। छत्तीसगढ़ कैडर 1986 बैच के आईपीएस, ईओडब्ल्यू और एसीबी के चीफ डीएम अवस्थी हुए रिटायर। आईपीएस अवस्थी 3 साल तक छत्तीसगढ़ के रहे डीजीपी, इसके बाद पुलिस अकादमी के बने डायरेक्टर। अंबिकापुर में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार की सैकड़ों एकड़ के जमीनों के दस्तावेज हो गए हैं गायब, जिसे लेकर सरगुजा कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम को कारण बताओ नोटिस किया जारी। बिलासपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संभाला अपना कार्यभार। उन्होंने जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की ली जगह, जो इसी महीने हुए थे सेवानिवृत्त। इस बीच कार्यवाहक चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रहे थे जस्टिस गौतम बाधुड़ी। जस्टिस सिन्हा को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर में दिलाई थी शपथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने कई कद्दावर लोगों को फिलहाल छोड़ दिया है। ईडी की टीम ने कई शराब कारोबारी, कांग्रेस नेता और कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के ठिकानों पर दी थी दबिश। मैराथन पूछताछ के बाद कई प्रभावशाली चेहरों के अलावा कुछ अन्य लोगों को लाया गया था ईडी दफ्तर। लंबी पूछताछ के बाद दोबारा तलब करने के इरादे से दिया गया है नोटिस। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी के प्रतिनिधि और युवा आदिवासी भाजपा नेता विक्रम धुर्वे ने अपने घर चिकला कसा निवास में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। कुछ दिनों से तनाव में चल रहे थे विक्रम। मृतक के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट हुआ है बरामद, जिसमें आत्महत्या के पीछे स्वयं को ठहराया गया है जिम्मेदार। विक्रम भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा बालोद के जिला अध्यक्ष भी थे। बलौदाबाजार के पलारी में तहसीलदार नीलमणि दुबे के स्थानांतरण के विरोध में तहसील कार्यालय के समस्त कर्मचारी पटवारी एक दिन के लिए किए सामूहिक अवकाश। तहसीलदार के स्थानांतरण पर विरोध जताते हुए तहसील कार्यालय के बाहर सभी कर्मचारियों ने लगाए नारे। बता दें कि अवैध रेत परिवहन पर तहसीलदार ने की थी चालानी कार्रवाई, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक ने तहसीलदार नीलमणि दुबे का स्थानांतरण जिला निर्वाचन कार्यालय रायपुर में कर देने संबंधी आदेश कर दिया जारी। राजनांदगांव के खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 6 साल के मासूम के साथ हुआ अनाचार।
आरोपी ने मासूम को चॉकलेट का लालच देकर सुनसान जगह में ले जाकर किया दुष्कर्म। 22 साल के आरोपी को जंगल से किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर SECU की टीम ने कोतवाली क्षेत्र के खटिक मोहल्ले के एक हॉस्टल में दबिश देकर 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से 71,500 रुपए किए गए जब्त। सक्ती जिले के स्टेशन रोड के पास किराए के मकान में रहने वाले बैंक कर्मी की फांसी के फंदे में लटकी हुई मिली लाश। बैंक कर्मचारी संजय चंद्रा RBL बैंक में करता था काम। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भिलाई के शीतला तालाब लक्ष्मी नगर सुपेला में जवारा विसर्जन देखने पहुंचे 2 बहनों ऊपर दिन दहाड़े चाकू से हुआ हमला। हमले में एक बहन की हुई मौत तो दूसरी अस्पताल में है भर्ती। आरोपी महेश यादव को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में जमकर हुई बारिश। प्रदेश के कई स्थानों में आज भी बारिश और तेज अंधड़ के साथ बिजली गिरने की है संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया चेतावनी। छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी। NPG का डिजिटल चैनल लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।